फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और मैं ज्यादा एक्स्ट्रा पॉजिटिव फील कर रहा हूँ क्योंकि जिस महान हस्ती के बारे में, आनंद दिघे साहब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उनकी मूवी उनके ऊपर बनी थी धर्मवीर, और धर्मवीर 2 आ रही है कि किस तरीके से जो उनके कर्म थे वो धर्म की ट्रू डेफिनेशन देते थे। वो ये नहीं बोलते थे कि भाई ये हिंदुत्व है तो हिंदू को ही बचाना है। वो इक्वल इक्वालिटी के अंदर बिलीव करते थे, ह्यूमैनिटी के अंदर बिलीव करते थे। छत्रपति महाराज जो सिखा के गए कि सारे हिंदुस्तानियों को एक साथ जुट करो, उस तरीके की उनकी टीचिंग थी। और यहाँ पर धर्मवीर 2 के अंदर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रसाद ओक जो उनका रोल यहाँ पर निभा रहे हैं, अच्छे तरीके से आपको ये दिखाएंगे कि क्या उनका पॉलिटिकल अफेयर था और वो जनता जनार्दन में इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों थे। अब ये जो टीजर आया है लगभग लगभग 2 मिनट का, ये एक अच्छा खासा सा रिफ्लेक्शन है कि वो किस तरीके से हर रिलीजन, हर समुदाय को एकदम बराबर समझते थे, जिसकी वजह से उनको एक ऑलमोस्ट भगवान का दर्जा दे दिया गया था। तो ठीक है, तो कुछ ऐसे ही शख्सियत हैं जिनको बहुत ही रिस्पेक्टफुली महाराष्ट्र क्षेत्र में देखा जाता है। शिवाजी महाराज एक हैं, आनंद दिघे भी उसी तरीके के एक ऐसे महान हस्ती हैं जो अपने कर्म की वजह से लाइमलाइट में हमेशा रहे हैं, और साथ ही साथ में इनका जो जीवन का जो काल था, वो जो समाप्त हुआ, वो भी एक थोड़ा सा सस्पेंसफुल रह गया था कि क्या ये नेचुरल था, क्या अननेचुरल था, कि कुछ लोग इनकी जो पॉपुलैरिटी है उनसे कोई घबरा तो नहीं गए थे। कुछ ये सारी चीजें यहाँ से निकल के आती हैं। बट एनीवेज, इसको प्ले करते हैं और देखते हैं कि कितना इम्पैक्ट ये छोड़ता है, क्या ये फर्स्ट पार्ट जितना ही इम्पैक्टफुल है कि नहीं। त्याची पवित्रता नजरेत दिसते। बुरखा काढ, बुरखा काढ, काढ गं भाऊचे आपला बुरखा काढ, तरच राखी बांध, नाही तर चालते हो चाल। क्या एक्सप्रेशन है, खतरनाक एकदम। एक साइड से थोड़े थोड़े ऐसे हो गए, कितनी राखी है भाई। ट्रस्ट तुम्हाला राखी बांधायला अख्ख्या महाराष्ट्रातून बायका आले, त्यांच्या राखी पौर्णिमेचं काय? यंदाची राखी पौर्णिमा नगमाच्या दारात, वंडरफुल सॉन्ग। छत्रपति महाराज समाज कुठलाही असो किंवा कुठलाही धर्म असो, ज्याच्या घरातली लक्ष्मी दुःखी त्याची बर्बादी नक्की। वाह, और लेसन भी अच्छा है कि घर की अगर लक्ष्मी जो है वो अगर परेशान है तो फिर नाश तो फिर पक्का ही है। इमोशनल है यार ये काफी ज्यादा। इसका जो गाना है जो पीछे है, पता नहीं किसने गाया है, ये बड़ी पहचानी पहचानी सी सुखविंदर सिंह टाइप की आवाज लग रही है। आई माइट बी रॉन्ग, अगर आपको पता है कि किसने गाया है तो आप जरूर बताना, बट उनकी जैसी आवाज लग रही है। तो काफी इम्पैक्टफुल है, और किस तरीके से वो पॉपुलर हुए, किस तरीके से हर रिलीजन को साथ में लेके चले, ये सारी सारी टीचिंग जो है आज के हिसाब से बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि ये पॉलिटिशियंस बांटने के अंदर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, जोड़ने में कम बिलीव करते हैं। आई थिंक आनंद जी की जो टीचिंग है कि जोड़ो, और समाज के अंदर कोई भी धर्म का कोई भी आदमी हो वो बुराई कर सकता है, तो ये थोड़ी सी न्यूट्रलिटी भी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इफेक्टिव तरीके से मेरे ख्याल से दिखाई जाएंगी। तो जितनी पावरफुल पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी उतना ही पावरफुल लग रहा है। मैं चाहता था कि इसके अंदर सब टाइटल्स हों, क्योंकि जो CC वाला जो बटन है वो इन्होंने एक्टिवेट नहीं किया है, करना चाहिए ताकि और ज़्यादा पॉपुलर हो। और इसका हिंदी वर्जन भी आना चाहिए, तभी और ज़्यादा पता चलेगा, ज़्यादा
ज्यादा लोगों को इनकी कहानी, ठीक है, थोड़ा सा फिक्शनल एलिमेंट पिछली बार भी था और यहाँ पर भी डाला जाएगा, इंटायरली बायोग्राफी की तरह इसको नहीं बनाया गया, फिक्शनल एलिमेंट इसके अंदर डाले गए हैं, तो अच्छा ही है, थोड़ा आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और एजुकेशन भी हो जाएगा। आपको कैसा लगा ये टीजर? काफी इम्पैक्टफुल लगा, पावरफुल लगा, थोड़ा और ज्यादा बजट इसको मिलना चाहिए था मूवी को, क्योंकि पहला पार्ट सक्सेसफुल था तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बजट की फीलिंग आ रही थी कि शायद और इम्प्रूव हो सकता था, कैमरा वर्क और ज्यादा अच्छा हो सकता था, ड्रामेटिक हो सकता था, क्योंकि जो पहले एक दो शॉट आता है जिसके अंदर हल्का हल्का ये हिल रहा होता है और पीछे शेर चीता जो भी दिख रहा होता है उसके अंदर, कहीं ना कहीं आप एक ऐसे ही सिनेमेटोग्राफी कर सकते थे जैसी सिंघम के अंदर होती है, तो और ज्यादा समा बन जाता शॉटों से। ठीक है भाई, जल्दी मिलते हैं और व्यूजर अपडेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, जो भी पार्ट आपको वीडियो में अच्छा लगा वो कॉमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।